इस जनता आम आवाम के माध्यम से कहना चाहेंगे, उस आदमी को हम चुनौती देना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो पर्दे के भीतर क्यों काम कर रहे हो, डायरेक्ट उस उम्मीदवार के साथ तुम वोट मांगो। हम तुमको हराने के लिए हम उस कैंडिडेट से नहीं लड़ रहे हैं, हम तुमसे लड़ रहे हैं चुनाव। अभी हम बिरौल प्रखंड मुख्यालय पर हैं और आज पैक्स अध्यक्ष के अंतिम दिन, नामांकन के अंतिम दिन और कह सकते हैं कि अंतिम चरण में आज नामांकन हुआ है। पोखराम उत्तरी पंचायत से इस वक्त राजीव चौधरी जी नामांकन कराकर जैसे ही बाहर निकले अपने समर्थकों के बीच पहुंचे, और एक बार तस्वीर थोड़ा दिखा दीजिए, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मुझे लगता है कि पूरे दरभंगा जिला में ऐसा पहली बार देखने को मिला है किसी पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में इतना बड़ा जनसैलाब। आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, खास करके यहाँ पर महिलाओं का एक बड़ा हुजूम जो दिख रहा है, ये सभी महिलाएं इनके पैक्स सदस्य हैं। और कह सकते हैं कि सभी लोग जितने भी यहाँ खड़े हैं सब इनके मतदाता हैं, सब किसान हैं और सभी समर्थक यहाँ मौजूद है भारी संख्या में। और बिरौल, खास करके बिरौल प्रखंड मुख्यालय में जितने भी अब तक नामांकन हुए हैं सभी पंचायतों में, कुल मिलाकर के हम कहें कि पोखराम उत्तरी का जो ये नामांकन का कह सकते हैं कि इसमें जो जनसैलाब उमड़ा है ये एक बिरौल के लिए अलौकिक कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा हमने इतना भीड़। क्या कहेंगे राजीव जी, इतना भीड़ हमने पिछले कई उम्मीदवारों में नहीं देखा है। ये जनता का आशीर्वाद है और जनता के प्यार से ही लगातार अगली बार हम हैट्रिक मारे, ये चौथी बार है। और हमारा प्रयास सतत रहता है जो किसान के हित में, गरीब गुरबा के हित में, पैक्स के माध्यम से भी दरभंगा जिला डेड है। कारण केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंक दरभंगा जिला बंद होने के कारण हमारे बहुत से साथी एक बार चुनाव लड़ने के बाद दूसरा बार चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाता है, कारण किसान को कुछ मुहैया करा ही नहीं पाता है। लेकिन हमारा सतत प्रयास रहता है, चाहे कृषि विभाग से हो या अन्य विभाग से, जो भी लाभ हो, खाद हो, बीज हो, कृषि यंत्र हो, हर एक चीज प्रयास करते हैं जो हमारे यहाँ के किसान के साथ साथ बिरौल के दूसरे पंचायत के भी किसान हमारे यहाँ अगर आ जाते हैं तो उनको मुहैया कराने में हम जो अपनी समझ रहती है उससे हम पूरा मदद करने का काम करते हैं। एक बार जोरदार ताली दीजिए राजीव चौधरी के लिए। कह सकते हैं हाँ, ये जनता का जो है आशीर्वाद, और हमारे जितने आम आवाम हैं, जितने कृषक बंधु हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम चुनाव लड़ते हैं। अभी बिरौल में दो तीन पंचायत सुनने में आया है निर्विरोध हुआ है, इन लोगों के आशीर्वाद से हम भी निर्विरोध ही हैं। लेकिन समस्या कुछ पंचायत के कुछ राजनीति जो है उसके कारण जो है हमारे यहाँ प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया है, वो हमारे नजदीकी लोग को ही खड़ा करने का काम किया है। अच्छा। हम इस जनता आम आवाम के माध्यम से कहना चाहेंगे, उस आदमी को हम चुनौती देना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो पर्दे के भीतर क्यों काम कर रहे हो, डायरेक्ट उस उम्मीदवार के साथ तुम वोट मांगो। हम तुमको हराने के लिए हम उस कैंडिडेट से नहीं लड़ रहे हैं, हम तुमसे लड़ रहे हैं चुनाव। राजीव चौधरी जी जैसा कि बता रहे हैं उनके समर्थक से थोड़ा सा बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जी, कैसे बड़ा हुजूम जो दिख रहा है, क्या ये हुजूम है? जनता का पूरा प्यार इनके साथ में है, तीन बार एक तरह से एक पक्षी जीत करा है इन्हें, और तीन बार लगातार, जो चौथी बार भी पक्की है, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है, जो भी इनने कहा उसमें कुछ नहीं, ये काम जनता इतना काम करते हैं कि उसका कोई कहने वाला नहीं है, ये पूरा समूह जो है इनके काम की बदौलत ही यहाँ आया हुआ है। बिल्कुल, इनके काम के बदौलत क्या लगता है, एक उम्मीदवार है लेकिन उससे मुकाबला नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है, ना कभी था। अच्छा। पोस्ट पे रहे या न रहे, ये जनता के है, जनता इनके है। एक बार जोरदार ताली दीजिए राजीव चौधरी के लिए। और कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ दर्शक, जितने भी लोग देख पा रहे हैं, और आपको पीछे तक जो महिलाएं दिखेगी और एक बड़ा हुजूम जो आपको दिख रहा है, शायद इससे पहले किसी भी पैक्स अध्यक्ष के नामांकन में इतना बड़ा जनसैलाब देखने को नहीं मिला जैसा कि आज पोखराम उत्तरी के राजीव चौधरी के इस पैक्स अध्यक्ष के नामांकन में देखने को मिला है। तीन बार लगातार पैक्स के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं और जो काम इन्होंने किए हैं उसी काम के बदौलत आज एक बार फिर नामांकन करा के बाहर निकले हैं। और इनसे पहले इनके समर्थकों ने यह बता दिया, ये साबित कर दिया कि इस बार कोई भी इनके सामने मुकाबला नहीं कर पाएगा और एक बार फिर निर्विरोध ही समझिए जीतने को तैयार है। जीत की अग्रिम बधाई आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। पोखराम उत्तरी पंचायत से राजीव चौधरी के नामांकन के बाद उनके समर्थकों के बीच में जो खुशी का माहौल है, इसी खुशी के माहौल के बीच हमको एक और उन्हीं गांव के किसान मिल गए हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानकारी लेंगे कि आखिर तीन बार जीतने का वजह क्या है और चौथी बार नामांकन करा के आए हैं तो क्या इस बार क्या अपार वोटों से जीतेंगे या क्या कुछ रहने वाला है। हम कैलाश जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपका और आपके
चैनल के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, आज राजीव जी के नामांकन में आप आए हैं, खुद उपस्थित हैं और तीन बार जैसा कि हैट्रिक लगा चुके हैं, चौथी बार क्या? देखिए, राजनीति में काम करने वाले लोगों की जरूरत है जी, और जो काम करेंगे निश्चित रूप से जनता उन्हें आशीर्वाद अपना देगी। तीन बार इन्होंने काम किया, जनता इनको देख चुकी है कि काम करने वाले लोग हैं, और पैक्स ऐसा चीज़ है जिसमें लोगों को जागरूक रहना होगा। जो भी अध्यक्ष बनेंगे उनको मेहनत करना पड़ेगा, उनको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, तो इसमें ये आगे रहते हैं, जिला हो प्रखंड हो सभी जगह ये अपनी उपस्थिति बना के रखे हुए हैं। और पैक्स में सीमित संसाधन सरकार की तरफ से उपलब्ध हो रहा है, उसमें भी जहाँ तक हो पाता है ये पैक्स से अलग हटकर भी लोगों के दुख सुख में रहते हैं। तो हम अपील करेंगे पोखरा मुत्री की सभी जनता से, जिनको अपना समर्थन देके पुनः इनको एक बार पैक्स अध्यक्ष बनाया जाए, यानी लगातार चौथी बार जी। राजीव चौधरी जिंदाबाद, काम करने वाले को अवसर मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और राजीव चौधरी ने वो काम करके दिखाया जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जनता को चाहिए कि फिर एक बार इन्हें मौका दें ताकि अब फिर से अपनी सेवा दे सके पंचायत में जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए।